देखिए, आज जो सेशन हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेशन में हम लोग आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएंगे। लास्ट क्लास में मैंने मैन्युफैक्चरिंग आपको करा दी थी, लेकिन आज जो आप मैन्युफैक्चरिंग सीखोगे ये वो थोड़ी सी एडवांस और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी कंपैरिजन ऑफ लास्ट मैन्युफैक्चरिंग के। जैसा कि आप सभी को पता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब होता है कि अगर मैं रॉ मटेरियल कहीं से परचेज करके लाता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, मैं उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हूँ, उसे क्या कहलाती है, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिजनेस कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक बिजनेस होता है ट्रेडिंग बिजनेस, जिसमें हम बना बनाए माल खरीदते हैं और फिर क्या कर देते हैं, सेल करते हैं। उसका दूसरा कौन सा बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, जिसमें हम बना बनाया माल ना खरीद के रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, हम उसे बनाते हैं और फिर सेल करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाता है। आज हम आपके साथ ये कंपनी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शंकर ट्रेडिंग कंपनी। ये परचेज और उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक यूज़ होगा जिसका नाम है पैरामीटराइज डिटेल। क्या नाम है, पैरामीटराइज डिटेल। तो सबसे पहले हम आपके साथ आज के सेशन में एक कंपनी बना के दिखाते हैं जिसका नाम है शंकर ट्रेडिंग कंपनी, ब्रांच शिव एजेंसी। ठीक है, 40 करेक्टर तक अलाउ करेगा, 40 से ज़्यादा अलाउ नहीं करता। जो भी एड्रेस होगा हम लोग डाल देंगे और फिर से क्या कर देंगे, सेफ। जैसे ये सेफ होगा तो सेफ होने के तुरंत बाद एक मैसेज आएगा जो आप लोग जानते हैं, कॉमन सा मैसेज आता है। इसके बाद हमें परचेज़ करनी है। जब आप परचेज करेंगे तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। आज से पहले आपको दो ही चीज़ें देता था, या तो आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। लेकिन आज आपको एक टॉपिक और मिलेगा जिसमें बैच होगी, शेड होगी और कलर होगा। ठीक है, क्या होगी, बैच होगी, शेड होगी, कलर। आगे बढ़ोगे तो यहाँ आ जाएगा बैच, शेड, कलर। फिर आगे बढ़ोगे तो पहले बैच, फिर शेड, फिर कलर। आगे बढ़ो तो पहले बैच, फिर क्वालिटी और फिर शेड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब ये होता है, अगर आपकी आइटम एक है लेकिन आइटम के अंदर वैरायटी आती है, क्या आती है, आपकी वैरायटी आती है, तो उस केस में क्या यूज़ करोगे, पैरामीटर। जस्ट लाइक आप शूज़ का एग्जांपल ले लो, शूज़ एक कंपनी का है लेकिन उसके अंदर साइज़ होते हैं, क्या होते हैं, साइज़ होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। आप LCD का एग्जांपल ले लें, ठीक है, LG कंपनी आती है, 28, 30, 32, 34 साइज़ की मिलती है, 50 तक मिलती है, क्या है वो साइज़, नाम तो एक ही। आप फ़ोन का एग्जाम्पल ले लें, किसका एग्जाम्पल ले लें, फ़ोन का, फ़ोन एक ही, सैमसंग J6, लेकिन उसमें तीन कलर हैं, रेड, ब्लैक, वाइट, जो भी कलर हो। तो बताओ, इसको तीन आइटम बनाना ज़रूरी है, एक आइटम के हम तीन पार्ट बना लें, एक आइटम के हम तीन पार्ट बनाते हैं, ना कि तीन आइटम बनाने में हमें फ़ायदा है। तो आज जो टॉपिक हम यूज़ करेंगे उसका नाम क्या है, पैरामीटर। सबसे पहले मैं तुम्हें क्या करता हूँ, सिंपल तरीके से जैसे आज तक आपने परचेज करी वैसे ही परचेज करके दिखा रहा हूँ, कोई अलग तरीके से नहीं बताऊँगा। मैं परचेज पर गया, तारीख डाली, जैसी तारीख थी वो तारीख डाली, तारीख कितनी थी, 4/4, तो यहाँ 4/4 डाला। वाउचर नंबर था 10154, पार्टी का नाम था यहाँ पर शिवा सेल्स कॉरपोरेशन, ग्रुप में क्या रखेंगे हम लोग, संडी क्रिएटर्स, और फिक्स इस टॉपिक को नो कर देंगे, मेंटेन बिल बाय बिल टॉपिक को नो करेंगे, और क्या करते हैं हम लोग, F2 करके सेव करते हैं। फिर हमें माल कहाँ रखना है, मेन स्टोर पे। फिर हमने एक आइटम बनाई जिसका नाम क्या था, क्लोथ। क्या था आइटम, क्लोथ थी, और क्लोथ के ग्रुप में डाल दिया। आगे क्या लिखा है, क्लोथ 05060, वैसे किस ग्रुप में डाल दिया हमने, क्लोथ के ग्रुप में डाल दिया। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, सेव होगा तो इसमें किस में रखेंगे, मीटर में, और इसका जो भी प्राइस होगा हम यहाँ डाल दें। मान लो हमें प्राइस नहीं पता, हम डायरेक्टली ऐसे ही सेव करते हैं। हमने सेव करा, कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर F10 दबाते हैं, कितना, 110, 120, 130, 140, कितने तक है, 200 तक है, तो 110, 120, 130, 140, 150, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200, तो टोटल लाइक कितनी क्वांटिटी है, 1550 मुझे पता है। लेकिन मुझे ना यहाँ आइटम का रेट नहीं पता,
एक आइटम की क्वांटिटी 10 रुपये, एक की 11, एक की 12, एक की 14, एक की 15, एक की 20, एक की 25, अलग अलग क्वांटिटी है। क्या है? अलग अलग क्वांटिटी। इस केस में करें क्या? तो मैंने क्या करा, मैंने ये वाली वैल्यू उठाकर 29,040 रुपये यहाँ डाल दिया, जिससे मुझे एक पीस की क्या पता चल गई, वैल्यू पता चल गई कि एक पीस की जो कॉस्ट है वो कितने रुपये, 18 रुपये 74 पैसे। कितनी है? 18 रुपये 74 पैसे। सर ये कैसे निकला हमें समझ नहीं आया। अगर मैं तुमसे कहता हूँ मुझे अमाउंट बताओ, तुम्हें क्वांटिटी पता होता है, रेट पता होता है, तो आप मुझे क्या निकाल के दे देते हो? मैं कहता हूँ 10 क्वांटिटी, एक पीस का 50 रुपये, तो मुझे कितना रुपये मांग बोलते हो आप? 500 बोलते हो, नहीं बोलते? लेकिन अगर मैं तुम्हें टोटल क्वांटिटी बता दूं और अमाउंट बता दूं, तो क्या तुम मुझे एक पीस की एवरेज नहीं बता सकते? क्या फार्मूला लगाओगे? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो कितने रुपए आएगा? 18 रुपये 73 पैसे। कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 18 रुपये 73 पैसे। क्या आ जाएगी इसकी? कॉस्ट आ जाएगी। और वही कॉस्ट आकर मैंने यहाँ पर पेश कर दी। कोई डाउट इसमें किसी को? रोहित, विवेक, यस। जनरेटेड नहीं है, परचेज है। जनरेट की कोई बात ही कहाँ है, परचेज चल रही है आपकी। अभी करेंगे एक एक करके, लेकिन अभी हमने इकट्ठा डाल दी ताकि आपको जो पहले करता आज वो सिचुएशन पता चले। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ से आपको अपनी यहाँ पर जो भी लग रहा है, जैसे फ्रेट चार्ज। फ्रेट जानते हैं क्या होता है? माल आने का जो किराया होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेट चार्ज। और जब भी आप कोई बिल संडी आज के बाद बनाएंगे और आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, तो आप एक टॉपिक अनेबल करते होंगे जिसका नाम क्या होता है, इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन स्टॉक, नहीं गुड्स इन परचेज। इसका मतलब जानते हो क्या होता है आप लोग? इसका मतलब होता है कि अगर मैं कोई आइटम 100 रुपये की खरीद के लाया हूँ, कितने की खरीद के लाया हूँ, 100 रुपये की खरीद के लाया हूँ, लेकिन 5 रुपये का अदर एक्सपेंस हो गया, 5 रुपये का क्या हो गया, अदर एक्सपेंस हो गया, तो आपके हिसाब से अब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 105 हो गई। अगर मैं 100 रुपये की आइटम खरीद के लगाया और मुझे 12.5% क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी रह गई, कितनी रह गई इसकी, 100 माइनस कितना कर दो, 12.5, तो कितनी रुपये रह गई, 87 रुपये 50 पैसे इसकी कॉस्ट रहेगी। तो इस टॉपिक का मतलब होता है कि अगर आपको अपनी वैल्यू घटानी या बढ़ानी है तो उस केस में आप इस टॉपिक को अनेबल करेंगे, ठीक है। अभी हमसे गलती हुई है तो पहले हम F9 करेंगे और अगेन उस वैल्यू को टाइप करेंगे। कितना अमाउंट था? 500 रुपये, तो 500 रुपये डाल देंगे। इसके बाद क्या लगा है हमसे? ट्रांसपोर्ट चार्ज, तो F3 करके बनाएंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ से? ट्रांसपोर्ट चार्ज। ग्रुप में क्या रखेंगे? आधार। किसे यस कर देंगे हम? इस टॉपिक को यस करेंगे। और देखो यहाँ पर ना तो परसेंट नहीं है, तो आप किस पर क्लिक कर देंगे? एब्सोल्यूट अमाउंट पर। क्या शिवानी क्लिक कर देंगे? एब्सोल्यूट अमाउंट। अगर परसेंटेज गिवन हो देन यूज करें परसेंटेज, अदरवाइज एब्सोल्यूट अमाउंट पर क्लिक करें। कितना अमाउंट? 500, तो 500 डाल देंगे। और क्या टॉपिक है? अदर चार्ज। क्या करोगे आप इस टॉपिक को अनेबल करोगे? इसको यस yes, और यहाँ क्या कर दोगे? एब्सोल्यूट और सेव। कितना अमाउंट है? 1000, तो 1000 डाल देंगे। और क्या लिखा है? 10% डिस्काउंट, तो कितना लिख देंगे? डिस्काउंट। टोटल मिलाकर हमारा बिल आ गया 27,936 रुपये। कितना आ गया आपका? 26,936 रुपये। अब इसे क्या कर दो? सेव। सेव करने के लिए क्या दबाओगे? F2, और इसे सेव करो। सेव करोगे यहाँ पॉपअप आएगा, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट बताई गई, क्या नाम है आपकी? जगदीश ट्रांसपोर्ट है, आप जगदीश ट्रांसपोर्ट डाल दोगे। GR नंबर है 7015453, और स्टेशन इसका गिवन है 34, ठीक है, और हमने सेव कर दिया। अगर किसी को GR समझ में नहीं आता, LR समझ में नहीं आया, तो वो पूछ सकता है कि सर ये GR क्या होती है और LR क्या होती है, वरना हम इसको सेव करके आगे बढ़ रहे हैं। बता दीजिए सर क्या होता है? GR होता है कि जब तुम ट्रांसपोर्टर के थ्रू, किसके थ्रू,
ट्रांसपोर्टर के थ्रू अपने माल को एक प्लेस से कहाँ भेजते हो, दूसरी प्लेस पर भेजते हो। ठीक है, क्या करते हो आप, अदर प्लेस पर भेजते हो। तो कौन माल लेके जाएगा, कोई ट्रांसपोर्ट लेके जाएगी। मान लो ट्रांसपोर्ट लेके जा रही, किसका ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है, ABC ट्रांसपोर्ट। क्या नाम है, अभी ट्रांसपोर्ट इस पार्टी ने, जो पार्टी का नाम था शंकर, ने अपना माल सारा कहाँ लोड करा दिया, किस पे, ABC ट्रांसपोर्ट पे। अब ABCD वाला इसे क्या देगा, एक पर्चा देगा। क्या देगा इसे, एक पर्चा, जिसे वैसे तो आप बिल बोलते हो। क्या बोलते हो इसे आप, बिल, लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं, GR या फिर LR। उस पर एक नंबर लिखा होता है, उस पर क्या लिखा होता है, एक नंबर। उस नंबर का मतलब यह होता है कि जो इसने माल इस ट्रांसपोर्ट को दिया, अब जो दूसरी पार्टी है उसको माल तब मिलेगा जब ये पार्टी क्या करेगी, उसको ये वाला नंबर बताएगी। अदरवाइज कोई भी जाकर ट्रांसपोर्टर से क्या ले सकता था, माल ले सकता था। तो इस क्लियरिटी को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम चलाया जिसे बोलते हैं GR या फिर LR नंबर। क्या बोलते हैं इसे, GR या फिर LR नंबर। समझ आ गया, किसी को डाउट है। इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। सर आप बताएं, आपने आज हमें बताया क्या नया, आपने तो हमें वही सिखाया जो आज तक आप करते आए हो। अभी तक तो सर हम ये पहली क्लास से यही कर रहे थे, आपने कोई नया टॉपिक तो ऐड ही नहीं करा इसमें। तो सर करें तो करें क्या, आप देखो जो आज हमारे पास माल आ रहा है उसमें बैच नंबर भी है, शेड भी है, कलर भी है, और क्वांटिटी भी अलग अलग है। तो सर इस केस में क्या करें, तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, एक टॉपिक अनेबल करेंगे। क्या करेंगे, हमें एक टॉपिक अनेबल करेंगे, और कॉपी पर सब नोट कर लें, वो टॉपिक अनेबल कहाँ से होगा, कहाँ से होगा, कॉन्फ़िगरेशन, फिर कहाँ से अनेबल होगा, फीचर्ड ऑप्शन, फिर कहाँ से अनेबल होगा, इन्वेंट्री, और एक टॉपिक है जिसका नाम है पैरामीटराइज डिटेल। क्या नाम है, पैरामीटराइज डिटेल। क्या नाम है, पैरामीटराइज डिटेल। सर दोबारा बता देंगे कहाँ से अनेबल होगा, कहाँ जाएंगे हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन, फिर फीचर ऑप्शन, फिर इन्वेंट्री, फिर इन्वेंट्री। तला उठ के आ गया, जाओ कहाँ आएंगे, इन्वेंट्री। ये हो जाने के बाद हम किस टॉपिक को अनेबल करेंगे, पैरामीटराइज डिटेल को अनेबल करेंगे। किसको करेंगे हम, पैरामीटराइज डिटेल को अनेबल करेंगे। अगर किसी को यहाँ तक पहुँचने में डाउट है तो बता दें, क्या कर दें, बता दें। समझ में आ गया, सब पहुँच जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर, दोबारा आप लोग लाउडली बोलेंगे सब, कहाँ जाना है हमें, फिर और पैरामीटर। इसकी शॉर्टकट लिख लो, कंट्रोल एफ। क्या होती है, कंट्रोल एफ इज द शॉर्टकट की टू गो फीचर ऑप्शन एंड देन इन्वेंट्री। फिर कहाँ जाना है आपको, इन्वेंट्री, फिर कहाँ जाना है, इन्वेंट्री। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम, क्या कुछ बोल लेते आप, ओके ठीक है। और तीसरा तरीका है, अगर आपको वहाँ पहुँचना है तो आप इस पर क्लिक कर दें, मास्टर, नीचे होता है आइटम नोट्स, तो जैसे ही आप इसे यस करेंगे डायरेक्टली आप कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री फंक्शन पाएंगे। तो तीन तरीके हैं आपको इन्वेंट्री पर पहुँचने का। पहला तरीका है आप मैनुअली जा सकते हैं, यहाँ पर आएँ, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन, इन्वेंट्री, और यहाँ पर इसे क्लिक कर दें। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, कंट्रोल एफ बताया, फिर कहाँ जाओगे, फीचर ऑप्शन में जाओगे, फिर कहाँ जाओगे, इन्वेंट्री में जाओगे, और फिर यहाँ से। और तीसरा तरीका क्या बताया, कि मास्टर में जाना है, आइटम में आना है, उसे क्या कर देना है, यस कर देना है। क्या कर देना है, इसे यस कर देना है। क्लियर, पहुँच जाओगे आप, दिक्कत तो नहीं आएगी। इसे कर लेने के बाद आप कहाँ आओगे, कॉन्फ़िगरेशन पे आओगे, फीचर ऑप्शन पे जाओगे, इन्वेंट्री पर जाओगे, और इसे क्लिक करोगे। जैसे ही मैं इस टॉपिक पर क्लिक करूंगा, एक बड़ी विंडो अपेयर होगी जिस पर टॉप पर लिखा होगा पैरामीटराइज्ड स्टॉक डिटेल ऑप्शन। क्या लिखा है, पैरामीटराइज्ड स्टॉक डिटेल ऑप्शन, और यहाँ एक वर्ड लिखा है मैक्सिमम पैरामीटर 3। हम कितने पैरामीटर बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं। लेकिन मैंने यहाँ 1 रखा हो, किस पर क्लिक कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन।
पहला पैरामीटर जो चाहिए वो किसका चाहिए मुझे, बैच का। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, बैच नंबर, और कुछ नहीं करा। फिर मैंने इसे ओके करा, फिर मैंने इसे क्या करा, ओके करा, फिर मैंने क्या करा, इसे सेव कर दिया। सेव हो जाने के तुरंत बाद मैं कहाँ गया, परचेज पर आया, और मैं दोबारा उसके अंदर गया मॉडिफाई पर। तो देखोगे यहाँ पर, सर ये तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, कोई फ़र्क आ रहा है नहीं। तो तुम इस आइटम को ओल्ड प्लस एम करना, क्या करना, ओल्ड प्लस एम, और यहाँ से एक टॉपिक अनेबल करना जिसका नाम है पैरामीटराइज्ड डिटेल। क्या नाम है, पैरामीटराइज्ड डिटेल। आपको इस टॉपिक को अनेबल करना है। जैसे ही ये टॉपिक अनेबल होगा इसे क्या कर दोगे, अगेन सेव। और जब हमसे बिजी में गलती हो जाती है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, F9, और अगेन उस आइटम का नाम टाइप करते हैं। अगेन हम उस आइटम का नाम टाइप करते हैं, और कितनी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी मुझे नहीं पता। और जैसे ही मैं इंटर मारूंगा वो अपने आप एक विंडो आएगी जिसके टॉप पर लिखा होगा पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल परचेज वाइज, सॉरी परचेज वाउचर। सबसे पहले बैच नंबर 101 क्वांटिटी 110, बैच नंबर 102 क्वांटिटी 120, 103 130, 104 140, 105 150, 106 160, 107 170, 108 कितना 180, 109 190, 1010 कितना 200। 1500 हो गया ये। इसे क्या कर दो, सेव कर दो। क्या कर दो इसे, सेव। और क्या कर दो इसको, सेव। लेकिन अभी क्या कर दो, यहाँ रेट डाल दो, मैनुअली रेट नहीं डाला मैंने गलती से, कितना था 2940। क्लियर। इसके बाद सर हमें इक्वल चाहिए, क्या चाहिए हमें, शेड। तो कहाँ पर जाके अनेबल करोगे, कहाँ पर, वहीं जाओगे कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन इन्वेंट्री, और यहाँ पर जहाँ एक था उसे क्या कर दोगे आप, दो कर दोगे। और क्या लोगे यहाँ से, नेक्स्ट कलर क्या लेना है आपको, शेड लेनी है। और क्या कर देंगे इसको, सेव कर देंगे। सेव हो गया, सेव। सर मैं एक बार में आपको अनेबल करके दिखा सकता हूँ, मैं आपको एक बार में अनेबल करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको सिखाना, इसलिए मैं आपको तीन तीन बार अनेबल करके दिखा रहा हूँ। आप कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन इन्वेंट्री और माउस का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, टैप टैप बटन दबाएंगे, क्या दबाएंगे, टैप, और कहाँ पहुँच गए, पैरामीटर। एक बार स्पेस दबाएंगे और फिर अगेन स्पेस दबाएंगे, एक बार स्पेस दबाएंगे और फिर अगेन स्पेस दबाएंगे। यहाँ पहले एक था, अब इसे करने कितना कर दोगे, दो, और इंटर मारोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बैच, और नीचे क्या खुल जाएगी आपकी, शेड। उसे सेव करने के लिए F2 दबा देंगे, फिर क्या दबा देंगे, F2 दबा देंगे, और क्या कर देंगे इसको, हम सेव हो जाएंगे। जैसे ही ये सेफ होगा फिर हम कहाँ जाएंगे, परचेज पर आएंगे, और दोबारा जब इस टॉपिक पर हम जाके इंटर मारेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक टॉपिक और मिलेगा जिसका नाम होगा शेड। आपको अपना शेड नंबर टाइप करना है, कितना है, 10। ठीक है, 10 हो गया, सेव। और अब हमें एक और शेड चाहिए, अब एक शेड नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, कलर। क्या चाहिए हमें, कलर। तो कलर को अनेबल करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, वहीं जाएंगे, कहाँ पर, फीचर ऑप्शन इन्वेंट्री, और माउस का यूज़ नहीं करेंगे, क्या दबाएंगे, टैप टैप, पहले स्पेस दबाएंगे और फिर अगेन स्पेस दबाएंगे, और दो को क्या कर देंगे, तीन, इंटर मारेंगे, और यहाँ से क्या कर देंगे, कलर, क्या कर देंगे, कलर। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, आ गया। एक वर्ड लिखा हुआ है, कैरेक्टर्स फॉर द पैरामीटर मैक्सिमम 20, कह रहा है कि आप पैरामीटर में जो कैरेक्टर डालेंगे, चाहे आप एक डालो या 10,000 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लेंथ कितने कैरेक्टर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लेंथ 20 कैरेक्टर ज़्यादा तो अलाउ नहीं करेगा। तो वैसे 10 आप इसका कितना कर दो इसको, 20। और एक टॉपिक होता है, एक होता है ओपन, एक होता है प्री डिफाइंड। कोई जानता है प्री डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ पहले से ऐड होती है उसे क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड, और जो हमें खुद ऐड करनी होती है उसे ओपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन। अगर आपको पता है कि आपकी जो चीज़ें वो लिमिटेड हैं,
क्या है आपकी, लिमिटेड है, तो आप उसे क्या कर दो, प्रीडिफाइन कर दो, और आपको लगता है कि आपकी लिमिटेड नहीं है तो किस में रखना उसे, ओपन में रखना, किस में रखना उसे, ओपन में। तो हम इसे किस में डाल देते हैं, प्रीडिफाइन में डाल देते हैं, क्योंकि कलर लिमिटेड होते हैं, 30-40 हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। और यहाँ क्या कर दो, कलर बना लो, क्या बना लो यहाँ पर, कलर बना लो, जो भी आपको समझ आए वो बना लो कलर, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ कलर बना दिए और कुछ कलर को मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, ताकि मैं वहाँ पर जब बनाऊँ तो आपको दिखा सकूँ कि कौन कौन से कलर मेरे रह गए। मैंने सेव कर दिया, और कुछ बनाना है अभी बाकी रहने देता हूँ, और एक वाइन बना लेता हूँ, ठीक है। कलर बन गए, सारे ऐड हो गए, इसे क्या कर दिया मैंने, सेव कर दिया, फिर मैंने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया, फिर मैंने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया, सेव हो गया मेरे से। सेव हो जाने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, परचेज, फिर कहाँ आऊँगा, मॉडिफाई। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप एक बार में कितने टॉपिक को एनेबल करेंगे, 3 टॉपिक को एनेबल करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ इंटर मारेंगे तो आपको एक टैब और मिलेगा जिसका नाम है कलर। अब आपको कलर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिलेक्ट करना है, क्या करना है आपको, सिलेक्ट। और पता है सिलेक्ट का ऑप्शन क्यों आया, क्योंकि आपने कौन सा टॉपिक अनेबल करा था वहाँ पर, प्री डिफाइंड अनेबल करा था। अगर आप प्री डिफाइंड टॉपिक अनेबल कर देते हैं तो आपको चीज़ें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें होंगी आप उसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप उसे, बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कलर ले लिया, कलर क्या है हमारा, रेड, तो हम इसे रेड टाइप कर देंगे। रेड के बाद क्या है, येलो, तो येलो टाइप कर देंगे। वाइन, तो वाइन, फिर ग्रीन, तो ग्रीन, ब्लैक, तो ब्लैक, ब्लैक के बाद क्या है हमारा, आपने सही करवाया, रेड, येलो, वाइन, ग्रीन, नेवी, और फिर ब्लैक। अब कौन सा कलर आ गया, पैरेट। बताओ पैरेट कहाँ से बनेगा, क्या वहीं जाऊँ, कहाँ, कहाँ पर, नहीं वहाँ इतनी दूर क्यों जाऊँगा, क्या दबा दूँ मैं यहाँ से, F3 दबा दूँ, क्लियर। और किसी को मॉडिफाई करना तो क्या दबा दूंगा मैं, ऑल प्लस M दबा दूंगा। मेरी बात समझ आई, क्या करा कि तुमने यहाँ कलर बनाना था, तुमने यहाँ देखा कलर क्या है हमारा, पैरेट है, अब तुम्हें पैरेट बनाना है लेकिन है ही नहीं, तो क्या कर दो वहाँ पर, F3 कर दो, यहाँ पर टाइप कर दो, और क्या कर दो, सेव कर दो, आगे बढ़ो। इसके बाद क्या है हमारी, फिर कौन सा कलर है हमारा, वाइट, फिर कौन सा कलर है, येलो, और क्या कर दो इसको, सेव कर दो। समझ आया टॉपिक, कोई है आप में जिसको डाउट आ रहा है, शिवानी, रेनू, आशा, आकाश, शुभम, लेकिन सर प्रॉब्लम तो अब भी सॉल्व नहीं हुई ना, प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हुई, क्योंकि यहाँ सर हर पीस का रेट अलग है, 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, सर कैसे करें, तो आप कहाँ जाओगे दोबारा, कॉन्फ़िगरेशन, फिर कहाँ जाओगे, फीचर ऑप्शन, फिर कहाँ जाओगे, इन्वेंट्री, फिर कहाँ आओगे, पैरामीटर। और यह एक टॉपिक है जिसका नाम है इनपुट ट्रांजेक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक का मतलब ये है कि अगर आपकी पैरामीटर का रेट अलग अलग है, अगर आपकी पैरामीटर का रेट अलग अलग है तो बस आप इस टॉपिक को अनेबल कर दें। जैसे ही आप इस टॉपिक को अनेबल करके सेव करेंगे तो सेव करने के तुरंत बाद आप कहाँ जाएंगे, परचेज में आएंगे, तो अब आपको हर चीज़ों का रेट अलग अलग मिल जाएगा। समीर, फिर यहाँ पर देखोगे मैनुअली रेट डाल सकते हो, 10 रुपये, 11 रुपये, कितना, 12 रुपये, फिर कितना, 14 रुपये, फिर कितना, 15, फिर कितना, 20, फिर 20, और फिर 25, और फिर 25, और फिर 25, टोटल देखो कितना आ गया, 29,040 रुपये आ गया। और जैसे ही तुम सेव करोगे पता ये क्या करेगा, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी निकाले क्या दे देगा तुम्हें, एवरेज दे देगा, क्या दे देगा, एवरेज। और इसे क्या कर दो आप, सेव कर दो, बिल्कुल करनी है आपको, डिसाइड करना है कि मुझे 2 पैरामीटर ऑन करनी है, 3 पैरामीटर ऑन करनी है, 4 पैरामीटर ऑन करनी है, 4 तो होती नहीं है, कितनी, 3 ही करनी है,
आइटम का रेट अलग अलग है, तो क्या आइटम के रेट वाले टॉपिक को एनेबल करना या नहीं करना। क्लियर? अरे सर बैठिए, मैं आपको सब बताऊंगा, थोड़ा सा बार रखें तो फिर कर, कोई ज़रूरत नहीं है, आ जाएं। एक बात और, आगे चलते हैं, क्या करते हैं आगे चलते हैं, फिर पूरी कहानी आपको बताता हूँ। मान लो आपको ये बिल परचेज करना, जिसका नाम क्या है, बजरंग फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड। तारीख बताएंगे कितनी है, 2/4। वाउचर नंबर बताएंगे कितना है, 6207। पार्टी का नाम क्या था, बज रंग फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड। ग्रुप में क्या डाल देंगे, सन्ड्री क्रिएटर्स डाल देंगे, और जैसे ही हम इसे सन्ड्री क्रिएटर्स डालेंगे, इस टॉपिक को हम यस करेंगे और दो बार F2 करके क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव हो जाने के तुरंत बाद हम यहाँ से एक आइटम बनाएंगे, जो एक का नाम है फैब्रिक और दूसरे का नाम है डायन। तो यहाँ F3 का क्या बनाएंगे, फैब्रिक, और इसके ग्रुप में क्या डाल देंगे, क्लॉथ नहीं, क्या ग्रुप है इसका, फैब्रिक, और फैब्रिक डाल के से सेव कर देंगे। क्या डालोगे, मीटर, और सेव करो। कितनी क्वांटिटी है, 760। कितना, 760। लेकिन तुम लोग क्या करोगे, यहाँ क्वांटिटी कितनी लिख दोगे, 100। कितनी लिख दोगे, 100। मुझे पता ये करोगे आप लोग, कितना लिख दोगे, 100, और फिर इंटर मारोगे, यहाँ आगे जाओगे, सब डिटेल फिलअप करोगे, 6768154, शेड नंबर 01, कलर रेड। क्वांटिटी कितनी आ गई, 100 आ गई। उसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पर एक और क्वांटिटी टाइप करोगे, कितना, 768154, कितनी क्वांटिटी, शेड नंबर 2, कलर कितना, येलो। कितनी क्वांटिटी, 150। रेट कितना है इसका, 10 रुपये। रेट कितना है इसका, 10 रुपये। और तुम बताए ऐसे करते जा रहे हो। सर अगर ऊपर वाली चीज़ नीचे पेस्ट करनी है, ऊपर वाली चीज़ क्या करनी है, नीचे पेस्ट करनी, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt-R। क्या होती है, Alt-R। अगर तुम्हें कोई ऊपर वाली चीज़ नीचे पेस्ट करनी है बीजी में, तो Alt-R या F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। लिख लिया करो कॉपी पर, छोटी छोटी बातें हैं आपकी। लिख लो Alt+R या F7 एक ऐसी शॉर्टकट की है जो को ऊपर वाली चीज़ को नीचे पेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ठीक है, आ जाए आगे। हमने 03 लिखा, कलर हमारे पास नया है तो हम F3 करके बना लेंगे और क्या कर देंगे, सेव। कितनी क्वांटिटी है, 160। रेट कितना, 10 रुपये। फिर हमने क्या आइटम परचेज करी, 768154 04। कलर क्या है हमारे पास, वाइन, वाइन टाइप करा। कितनी क्वांटिटी, 170, 10 रुपये के रेट से। और फिर हमारे पास क्या आ गया, बैच नंबर सेम, तो आप क्या दबा दिया, F7 दबाया, 05, और वाइन के बाद क्या है हमारे पास, ब्लैक, तो हमें क्या टाइप करना है यहाँ पर, ब्लैक टाइप कर, हमने यहाँ क्या कर दिया, ब्लैक। और क्वांटिटी कितनी है इसकी, 180 डॉलर। रेट कितना है, 10। अब पता है मैं इसको सेव करूंगा ना तो मुझे एक प्रॉब्लम आएगी, पढ़ो क्या देगा, एडजस्टेड क्वांटिटीज मोर देन अवेलेबल क्वांटिटी। इसके कहने का मतलब है, जो आपने यह क्वांटिटी मेंशन करी है वो 100 मीटर है, और इसके अंदर आपने कितनी वैल्यू पुटअप कर दी, 760 मीटर पुटअप कर दी, तो ये कभी भी अलाउ नहीं करेगा, ये कभी भी क्या नहीं करेगा, इसको अलाउ नहीं करेगा। तो इस केस में हम क्या करें, इस केस में हम क्या करें, या तो मैं मेहनत दोबारा करने बैठूं, जो मेहनत मैंने दोबारा करी है इतनी, या मैं क्या करूं, मेरे पास दूसरा या इसका अल्टरनेटिव तरीका है, मैं इसको शिफ्ट बटन दबाऊंगा और ऑल्ट, जो राइट एरो होती है ना, ओ एस के होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, क्या होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। मैंने इसे यहाँ लगा, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ से शिफ्ट बटन दबाया और इसके बाद राइट एरो दबाई, क्या दबाई, राइट एरो, तो इससे क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। फिर मैं नीचे आया इसके साथ और कंट्रोल सी के साथ मैंने इसे कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया। फिर इसे जाने के बाद यहाँ मैंने कितना करा, 760 करा, और इंटर मार के
कंट्रोल वी कर दिया, क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे जो मैंने मेहनत करी थी वो मेरी मेहनत ख़राब नहीं हुई, मेरा काम सॉल्व हो गया। आपने समझा ना मैंने क्या करा, मुझे क्वांटिटी एक्चुअली में इंक्रीज़ करनी थी भार वाली, तो मैंने पूरे इतने डाटा को पहले कंट्रोल सी के साथ कॉपी करा, इसको फिर मैंने क्विट करा और यहाँ जाकर इंटर मारा और कंट्रोल बी के साथ वो क्वांटिटी क्या कर दी, पेस्ट कर दी, और फिर क्या कर दिया मैंने इसे सेव कर दिया। नहीं समझ आया, अभी हुआ क्या, आपने यहाँ 100 मीटर लिखा और यहाँ वैल्यू कितनी डाल दी, 760 मीटर, जबकि आपको ऐसा नहीं करना था। आपने अगर यहाँ 100 लिखा तो आपको यहाँ कितनी डालनी थी, 100, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कितनी वैल्यू पुट अप कर दी, 760 टाइप कर दी। जब आप इसे सेव कर रहे थे तो इस तरीके का मैसेज आ रहा था, कह रहा है कि जो आपने यहाँ क्वांटिटी लिखी वो क्वांटिटी इस क्वांटिटी से मैच नहीं हो रही, तो मैं इसको सेव नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये थी, या तो मैं इसे डायरेक्ट क्विट कर दूँ, डायरेक्ट क्या कर दूँ, क्विट करूँ, क्विट करूँगा तो मेरी मेहनत थी वो भी क्या हो जाएगी, ख़त्म, और दोबारा मुझे वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी मुझे, वैल्यू मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इस पूरे डाटा को क्या करा, शिफ्ट करके कॉपी कर लिया, डाटा मेरा कॉपी हो गया। कॉपी हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर 760 क्वांटिटी डाली और इंटर मार के कंट्रोल वी कर दिया, जिससे जो डाटा था वो दोबारा आ गया और मैंने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। मेरी बात समझ रहे, ये बातें मैं जो बता रहा हूँ समीर, ये प्रॉब्लम है आपको आएंगी जब आप इस टॉपिक को स्टार्ट करोगे जिसका नाम है शंकर ट्रेडिंग कंपनी। क्लियर है, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें। क्लियर, आ गया समझ में। इसके बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इंटर मार के जैसे ही आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास एक बिल आया, मैं बिल को लेकर बैठा, एंट्री करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता, मैं 6 पर गया, 7 पर गया, 8 पर गया, 9 पर गया, 10 पर गया, 11, 14, 15, 16, 17, 18, और देखा मेरे पास तो 200 आइटम है, कितनी आइटम है, 200 का बिल है, लेकिन यहाँ कितना अलाउ कर रहा है, 64 अलाउ कर रहा है। अब फिर मेरी बात वही आ गई, मैंने पूरा तो फिलअप कर लिया लेकिन 64 के बाद तो अलाउ नहीं कर रहा ना, करें तो करें क्या। मैंने यहाँ क्वांटिटी लिख दी 50,000, मैंने यहाँ कितनी क्वांटिटी लिख दी, 50,000, और जबकि मेरे पास यहाँ पर क्वांटिटी कितनी आ रही है, 10,000, तो 40,000 और डालनी है, कितनी करनी है। प्रॉब्लम तो ये कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इतनी 64 एंट्री लिखी, या तो मैं दोबारा करनी पड़ेगी, तो इसे बचने के लिए क्या करूँगा, मैं डाटा को क्या कर लूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने का तरीका बताता हूँ, शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, इससे पूरा एक बार में सिलेक्ट होता है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पूरा नीचे तक सिलेक्ट होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लिख लो कॉपी में, कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो, क्या वो मैक तुम्हारी कॉपी का है, विष्णु बैक पास कर दो इनका, आशा समझ आ गया आपको, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से पूरा एक बार में और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से एक बार में नीचे। जब आप आगे चल के मुझसे एक्सेल सीखोगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये ट्रिक होती है। मैंने यहाँ ए लिखा और यहाँ पूरा ए, ये नीचे भी ए और नीचे भी डी, मुझे इसको एक बार में सिलेक्ट करना है, पूरे को क्या करना है, एक बार में सिलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाता हूँ। क्या दबाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, क्या दबाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जिससे एक बार में पूरा डाटा क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। समझ आ गया, लेकिन सर प्रॉब्लम तो अब भी सॉल्व नहीं हुई, ये तो बात समझ आ गई आपकी, आप इस बिल को सेव करो, पहले हमें ये बताओ ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्या 64 एंट्री करेंगे, हमने यहाँ 64 एंट्री करी फिर नीचे 64 एंट्री करेंगे, क्या ऐसे काम करने बैठेंगे सर, मतलब यहाँ 64 की एंट्री करेंगे और फिर यहाँ फिर दोबारा आइटम का नाम लिखेंगे फिर 64 करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। हमने कहा आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप क्या कर लो, एक टॉपिक अनेबल कर लो, क्या कर लो आप, एक टॉपिक अनेबल। अनेबल के लिए कहाँ जाओगे आप, आप आओगे कहाँ पर, फिर कहाँ जाओगे, फिर कहाँ आओगे, मैक्सिमम एंट्री इन वाउचर, और सभी को 999 अगर ये नहीं समझ तो पहले समझ लो। पता है आप एक बार में आइटम 128 डाल सकते हो, एक बार में बिल संडे 16 डाल सकते हो, लेकिन अगर हम इसका साइज़ बढ़ाना हो तो हमें कहाँ जाना होगा,
कहाँ पर आना होगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन, फिर वैसे कितना कर देंगे 999 और सी। क्लियर? तो अब एक बार में मैं कितनी बार डाल सकता हूँ, 999 एंट्री कर सकता हूँ। आप चाहो तो चेक कर सकते हो कितनी आ गई, 999 कितनी आ गई आपकी, 999 आ गई। और आप चाहो तो यहाँ पर भी जाकर देख सकते हो कितनी आ गई, 999। बिल सेंडी भी देखो कितनी आ गई, 999। तो इसका मतलब क्या है, हम कितनी एंट्री कर सकते हैं, 999 तक कर सकते हैं। तो मेरी बातें समझ आ रही हैं जो बता रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत? छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें। क्लियर? लेकिन सर चलो ये बिल सेफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। सर प्रॉब्लम तो वहाँ आएगी। सर आगे बढ़ें, सर आप इस बिल को देखें, सर ये वाला बिल देखें। अब इस बिल देखिए सर, यहाँ बैच है, यहाँ क्वालिटी है, यहाँ सेड है, और यहाँ क्या है आपकी क्वांटिटी। सर लेकिन जो हमने राजन कॉन्फ़िगरेशन करी उसमें क्या क्या चीज़ें अनेबल करी थी हमने, बैच, शेड और कलर। लेकिन यहाँ सर तीसरी दूसरी क्या आ गई, चेंज हो गई। पहला क्या आ गया, बैच, फिर क्या आ गई क्वालिटी, और फिर क्या आ गई शेड। समझ आई शिवानी? पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो बैच, शेड और कलर का था, लेकिन अब क्या आ गया, बैच, क्वालिटी, शेड। क्यों? क्योंकि पार्टी का नाम अलग है, क्योंकि पार्टी का नेम अलग है, और वो अपने हिसाब से बिल रेडी करेगा। उसने क्या डाला, बैच, शेड की जगह क्वालिटी और शेड, कलर की जगह मतलब कुछ भी कर लो, मतलब सेकंड बाई पोजीशन चेंज हो गई इसकी। अब जो बात बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपने एक बार इस टॉपिक को अनेबल कर दिया इसको, और इसके बाद यहाँ तीन रख दिया, तो कभी फ्यूचर में भी चाहकर आप इसको चेंज मत करना। अगर तुमने इस टॉपिक को अनेबल कर दिया तो आप चाहकर भी इस टॉपिक को क्या नहीं करना, चेंज मत करना। अगर आपने चेंज कर दिया तो आपका सिस्टम सारा उल्टा सीधा हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पैरामीटर को एक बार अनेबल कर देते हैं तो बाद में इसे ना तो चेंज करें ना ही इसमें कोई इंटरफेयर करें। बता रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को समझ गए कि अगर ये टॉपिक एक बार अनेबल हो गया तो सेकंड टाइम मैं इस टॉपिक को क्या नहीं करूँगा, चेंज नहीं करूँगा, इसके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। टॉपिक अनेबल हो गया, ना तो मैं इसको कभी फ्यूचर में दो करूँगा और ना ही फ्यूचर में कभी वन करूँगा। सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे, रीज़न तो बताएं, क्या रीज़न है जो उसके साथ हम इंटरफेयर नहीं कर सकते? रीज़न ये है कि अगर तुमने इसके साथ इंटरफेयर करा तो जो तुम्हारे पहले के बिल होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। पहला क्या था, बैच, शेड, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगी आपके, क्या आ जाएगी, क्वालिटी, और हमें क्वालिटी चाहिए ही नहीं थी। समझ रहे मेरी बात? अगर तुमने वहाँ पर जाकर चेंज कर दिया एक बिल के लिए तो वो सभी बिल में एप्लीकेबल हो जाएगी जितने बिल आपने पहले बनाकर सेव करे थे। तो यही रीज़न है कि आपको उस टॉपिक को बार बार इंटरफेयर नहीं करना। तो सर फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है कि अगर किसी पार्टी को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उस केस में मैं करूँ तो करूँ क्या, तो तुम क्या करना, मैं इस पार्टी की तुम्हें एंट्री करके दिखाता हूँ। पार्टी क्या है, पार्टी का नाम है 4-4, बिल नंबर कितना है 101501। पार्टी का नाम क्या है, हरी ट्रेडर्स, ग्रुप में क्या रखूँगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और किस टॉपिक को अनेबल करूँगा, इस टॉपिक को डिसेबल करूँगा। एक आइटम बनाऊँगा जिसका नाम क्या है, पैंट फैब्रिक, और इसे किस ग्रुप में डाल दूँगा, F3 बना के नया ग्रुप, पैंट फैब्रिक। और नीचे एक टॉपिक होगा जिसका नाम होगा पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम है, पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल
कॉन्फ़िगरेशन, और नीचे क्या लिखा, यूज डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पर आपने सेटिंग करी है वो ऑटोमेटिक ये पिक कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिक पिक कर रहा है। अगर आप इसको छेड़खानी करना है या चेंज करना है तो कहाँ हो, यूज सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन। और कितना पैरामीटर लिख दें, यहाँ से 3 लिख दें, और यहाँ पर आप अपना बना सकते हैं नया। और ये किस ग्रुप में एप्लीकेबल होगा, ओनली पैंट वाले ग्रुप में ही एप्लीकेबल होगा। समझ आई मेरी बात, कि अगर आपको किसी एक ग्रुप के लिए अलग बनाना है तो यहाँ पर क्या करें, पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल कॉन्फ़िगरेशन, यूज सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन। और फिर कहाँ जाएं, कॉन्फ़िगरेशन में आए और यहाँ से टाइप करें, क्या टाइप करें, पहला आपको क्या चाहिए, बैच, तो क्या लिखेंगे, बैच। दूसरा क्या चाहिए आपको, क्वालिटी, क्वालिटी लिखेंगे। और तीसरा क्या चाहिए आपको, शेड, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, शेड। और अगर जिसमें आपको जो चीज़ अनेबल करनी है कर लो, यहाँ से क्या कर दो, यहाँ पर क्या था आपका, बेस्ट, तो आप यहाँ क्या डाल देंगे, बेस्ट। फिर क्या था आपका, नॉर्मल, तो नॉर्मल डाल दो। और दूसरा क्या था, फिनिश, तो आप यहाँ से फिनिश, ठीक है, और क्या कर दो, सेव। तो इसे सेव करते के साथ ही यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर, और क्या कर दो, इसे सेव। जैसे सेव करोगे, और कभी भी स्टार्टिंग में कभी भी क्वांटिटी यहाँ ज़ीरो रखना, क्या करना है, यहाँ पर क्वांटिटी हमेशा ज़ीरो रखना, अपनी मर्जी से कोई क्वांटिटी मत डालना, हमेशा कितना रखना, ज़ीरो। ये बात मेरी याद रखना कि जब भी आप पैरामीटर में काम करें तो क्वांटिटी हमेशा कितनी रखना, ज़ीरो रखना। उसके बाद जैसे ही आप इंटर मारोगे आपका एक टॉपिक अनेबल होगा, जहाँ क्या आएगा, बैच, फिर क्या आएगी, क्वालिटी, फिर क्या आएगी, शेड, फिर क्या आएगी, क्वांटिटी, फिर क्या आएगा, प्राइस, फिर आएगा अमाउंट, ठीक है। तो ये एक ग्रुप के लिए चेंज हुआ, ओनली किस ग्रुप के लिए, पैंट ग्रुप, कौन से ग्रुप के लिए, पैंट फैब्रिक वाले ग्रुप के लिए चेंज हुआ। आप डाल दो यहाँ से, जो डालना है आपको, 65401, फिनिश, शेड नंबर 10, क्वांटिटी कितनी है, 100, रेट कितना है, 60, अगर मुझे रिपीट करना है तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पर F7 या फिर ऑल प्लस R, कितना, 12, कितनी क्वांटिटी है, 120, रेट कितना है, 60। फिर मुझे क्या करना है, रिपीट करना है, क्या करना है, रिपीट, तो मैंने यहाँ से रिपीट करना, नहीं चेंज होगा, कितनी कौन, क्या है, नॉर्मल, क्या है हमारा, इक्कीस था, आप मुझे गुमराह कर रहे हो, F7 नॉर्मल कितना, 22, कितना, 140, 60, तो सर पहले वाले में क्यों नहीं बताया आपने, फिर 65, बाकी और लोग क्या नहीं देख रहे हैं, इसमें थोड़ा देखना पड़ता है ना, F7 कितना, 65, फिर आपने क्या आइटम परचेज करिए, 3 हो गया ना, कितना, 4 है, 1 2 3 4, कितना, फिर आपका क्या है, आपका कितना, 41, 42, 43, 44 और 45, क्या ये आपका F7 ये आपके कंप्लीट हो गए। क्वांटिटी कितनी है आपकी, क्वांटिटी है 120, 130, 140, 150, 150 के बाद 110, रेट कितना है, 65, 70, फिर F7, और यहाँ पर आपका सेम F7, क्लियर हो गया। अब कितना आ रहा है, कहीं गलती है, प्राइस मैच नहीं हो रहा हमारा, आपने कहीं गलती तो नहीं,
46 रह गया। F7 46 क्वांटिटी कितनी है फिर? 140 कितना? 70। ठीक है, और मैच ठीक है, और क्या कर दो इसे सेव कर दो। क्लियर। तो ये आज आपका टॉपिक था जो रिलेट करता है आपका पैरामीटर से। मैं आपको बता दूं, पैरामीटर में इतनी सारी चीज़ें आपकी क्लियरिटी नहीं हो पाएगी जब तक आप इस एक लेक्चर को एक या दो बार प्रैक्टिस ना करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पैरामीटर वाला टॉपिक अच्छी तरीके से कवर करना है तो आप इस लेक्चर को एक से दो बार देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।